नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। अभी हम मौजूद हैं मोरबादी में, जहां पर बापू वाटिका के पास कांग्रेस का पेट्रोल और डीजल का मामला चल रहा है, जिसके दाम को लेकर के वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छात्र यहां पर मौजूद है, सभी छात्र, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे छठी जीपीसी वाले हो, जाप वाले हो, सभी छात्र यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं सभी दोनों तरफ जो बातें चल रही हैं, एक तरफ मोदी को हाई हाई किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को लेकर छात्र अपनी बातों को, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पे जितने छात्र हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है आप हमारे पीछे सुन सकते हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, हम लोग एक बार इन छात्रों से बातचीत करते हैं। एक तरफ सरकार पेट्रोल और डीजल महंगाई को लेकर के धरना कर रही है, दूसरी तरफ वादा कर रही है, महंगाई, बिल्कुल महंगाई का विरोध हम भी कर रहे हैं। राज्य में, देश में, पूरे देश तराही है महंगाई से, महंगाई का विरोध हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास खाने के लिए, जीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम सारे युवा आज इतने प्रभावित हुए इस सरकार की नीति से, ये सरकार विरोध कर रही, मैं गलत नहीं कर रही, सरकार अपनी मांग जायज बता के विरोध कर रही, लेकिन हम युवाओं की मांग कौन सुनेगा। ये वही सरकार है जो लगातार हम युवाओं को ठगने का प्रयास किया है। बीते दिनों में जब हम युवा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए थे, लंबित नियुक्ति का मांग कर रहे थे, चाहे पंचायत सचिव हो, टीजीटी वाले हो, पीआरटी वाले हो, एक्साइज कॉन्स्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच का हो, जेएफ वाले हो, कार्य चालक विभाग के हो, या फिर घंटी चालक वाले हो, राज्य में पारा शिक्षक हो, अनुबंध कर्मी हो, जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, सबके सब पीड़ित हैं। राज्य में एक भी नियुक्ति कराई गई है। आखिर सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास नियत है कि नहीं। हम लोगों ने सरकार को बनाया, एक युवा सरकार बनाया, लेकिन आज दिख रहा है कि सरकार के पास रोजगार देने के लिए ना तो नियत है, ना नीति है, और ना ही रोजगार के लिए कोई इनके पास विजन है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सरकार को कि अगर आपको अपनी समझदारी से काम लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप पूर्ववर्ती सरकार से जाके पूछिए, आप रघुवर दास से पूछिए कि आज वो इतना क्यों रो रहे हैं। रघुवर दास का युवाओं ने जो हाल किया है, उन्होंने हर काम किया है, केवल उन्होंने एक गलती किया कि युवा से वो पंगा ले बैठी है, तो आज नंगा हो गई है। ये सरकार भी युवा से पंगा ले रही है, ये सरकार को भी नंगा करेंगे हम लोग। क्या कुछ कहना है आपका? आप भी यहाँ पर मौजूद है, एक तरफ सरकार के विरोध में, यहाँ पर केंद्र सरकार के विरोध में लड़ रही है सरकार, और आप यहाँ पर राज्य सरकार से लड़ रही है, क्या कुछ कहना है? हम लोग का कहना है, आदिवासी संथाली भाषा का ओलटीकी का नियुक्ति पत्र हम लोग का नहीं दिए हैं। 153 टी हम लोग पाकुड़ जिला में चयन किए हैं, और 18/10/2019 में हम लोग बुलाया गया था, और तुरंत मैंने स्थगित किए, अभी तक हम लोग ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार एक तरफ है और केंद्र सरकार एक तरफ है, कई सारी नियुक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में होती है और कई सारे राज्य सरकार के हाथ में होती है, तो क्या आपको लगता है कि केवल राज्य सरकार जिम्मेदार है रोजगार नहीं मिलने के लिए, या फिर केंद्र का भी इसमें हाथ रहेगा? केंद्र सरकार तो रोजगार नहीं देने में विफल हुई ही है, लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं है कि हम उनका श्रेय लेकर के उनके आड़ में हम भी रोजगार ना दे। जब भी हम लोग ने वोट दिया है तो हम लोग का कहना है कि हम लोग पहले घर को सुधारेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार को सुधारेंगे। हम लोग झारखंड के युवा एक हो गए हैं, अब हम लोग झारखंड सरकार से कह रहे हैं कि अब केंद्र का बहाना करके आप उसके आड़ पर में ज्यादा समय तक नहीं बच सकते हैं। हम लोगों का महागठबंधन हो गया, आपने जो वादा किया वही दीजिए ना। हम नया एक भी इंच आपको ज्यादा नया नहीं मांगेंगे, आपसे उम्मीद भी नहीं करते हैं। झारखंड के युवा परेशान है, तराही माम है, कई हजारों महिलाएं, लड़कियों का, बहनों का फोन आता है कि इमाम भैया आप कुछ बोलिए ना कुछ, हम लोग का शादी रुक गया है, 4 साल से 5 साल से शादी रुक गया है, वो कुछ लोग तो आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं, तो हमको बहुत रोना आता है। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम लोग नेता नहीं है, हम लोगों को रोजगार जो बोले वो रोजगार दीजिए, और केंद्र सरकार का बहाना बनाना छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ सरकार को, इनको क्या कहते हैं कि रघुवर सरकार को भी हम लोगों ने सबक सिखाया, आपको भी सबक सिखाएंगे, और केंद्र सरकार ने नौकरी नहीं देगी तो उसको तो जानते ही है कि क्या हाल होगा। तो आप लोग
लोगों ने सुना कि क्या कुछ छात्रों की मांग है। छात्रों का सीधा कहना है कि हम लोगों को जो रोज़गार था, हम लोगों की जो नियुक्ति थी, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, और जिसको लेकर के वो आज यहाँ पर बापू वाटिका के पास प्रदर्शन भी करते हुए नज़र आए, जिसको लेकर के हम लोगों ने सभी विधायक और मंत्री से भी बातचीत की। उनका भी कहना है कि हम छात्र के साथ हैं, मगर कुछ जो लेट हुआ है, कुछ समय जो गया है वो कोरोना के कारण गया है। तो उनका सीधा कहना है कि इस वर्ष उन लोगों को सभी को नियुक्ति ज़रूर मिलेगी, और साथ ही साथ जितना भी परेशानी उन लोगों को हुई है उसको दूर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।